बात हम सब जानते हैं कि सांप और नेवले एक दूसरे के जाने दुश्मन होते हैं और इनके बीच हुई लड़ाई में अक्सर जीत नेवले की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेवले और सांप के बीच हुई जंग में आखिर नेवले की जीत और सांप की हार क्यों होती है? आइए जानते हैं। दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई में एक बात तो पक्की है कि सांप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और नेवला सांप को मारने और खाने के लिए सांप पर हमला करता है। यानी इन दोनों की लड़ाई में लड़ाई होने से मेले में विजेता नेवला होता है। नेवले की यह खासियत जो सांप पर ज्यादा भारी पड़ती है वह है उसकी फुर्ती, क्योंकि नेवला एक बहुत ही फुर्तीला जीव है जो सांप पर बहुत ही तेजी से हमला करते हैं। वही दूसरी चीज ये होती है कि नेवले के घने और सख्त बाल जो कि सांप के जहरीले डंक को उसके शरीर के अंदर नहीं जाने देते हैं। इसलिए नेवले के शरीर में जहर से लड़ने के लिए एंटीवायरस होते हैं जो कि धीरे धीरे जहर के असर को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जीत हमेशा नेवले की होती है।